अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है तुम सारी ओसु ठीक। तो जंगलों में द्रावस ब वने आवस ब बाली। आप लोगों को पता ही बाली बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का कल्चर हिंदुज़म है। हालांकि पूरे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं वो तो इंडोनेशिया ही है, लेकिन इस आइलैंड पे 85% हिंदू है। तो ये रहा इनका मज़हब यहाँ का, इस आइलैंड का। और यहाँ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ ये नहीं खूबसूरत, बहुत सारी जगहें यहाँ पे, मतलब इस होल एरिया को ही समझो कहते हैं बाली। तो यहाँ के वाटरफॉल्स, यहाँ के बीचेस बहुत ही खूबसूरत है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं लेके जाऊँगा किसी वाटरफॉल पे। तो एक वाटरफॉल है, मैं उस पर कभी गया ही नहीं हूँ, आप लोगों को लेके जाऊँगा उधर। लेकिन कहते हैं वो बहुत ही स्टीप है, उसके जो स्टेप्स है वो मतलब बहुत ही ऊपर ऊपर है, मतलब उसकी जो हाइट है वो बहुत होती है, तो मुश्किल होता है। और ऐसे है तो देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है, फिर उधर ड्रोन भी चलाएंगे, देखेंगे कि कैसा कैप्चर कर सकता है ड्रोन वहाँ की खूबसूरती। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अभी 9 बजे है। तो दोस्तों निकल चुका हूँ मैं यहाँ से। दूसरी शर्ट भी साथ में रखी है क्योंकि पसीना बहुत आता है, तो फिर चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये मेरी स्कूटी रही। जब आपने यहाँ आना होगा ना तो स्कूटर ज़रूर रेंट करना, क्योंकि यही आपका साथी बन जाता है, फिर यहाँ पे आप किसी भी जगह जा सकते हो। ठीक है, बिना स्कूटर के इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर, क्योंकि फिर पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। होगा, ये देखो कितना ग्रीन है यार। ये देखो, ये इनके मंदिर है। हर घर में अपना अपना फैमिली मंदिर होता है इनको। और मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाता हूँ, इनकी पूजा करने का तरीका दिखाता हूँ, ये क्या करते हैं। तो ये जिधर मैं रह रहा हूँ, ये किसी का है जो इसका ओनर है, वो यहाँ सुबह सुबह आके पूजा करते हैं। और ये जो ये है, इसमें ये सिगरेट रखते हैं और कुछ फूल रखते हैं, फिर इसी से पूजा करते हैं। ये देखो, ये इनका समझो छोटा सा मंदिर रखा है इन्होंने, और इधर ये अगरबत्तियाँ जलाते हैं रोज़। तो दो बहुत बड़े त्यौहार होते हैं साल में, 2 बार हर 6-6 महीने के बाद। तो इस वक्त वही सीज़न चल रहा है इनका, तो समझो वो ख़त्म ही हो गया। परसों देखा था मैंने, तो ख़त्म हो चुका है वो। चलो अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बस वीडियो पे बने रहना। तो दोस्तों जिधर मैं अभी हूँ इसको कहते हैं उबुद, समझो ये टूरिस्टों का गढ़ होता है यहाँ पे। यहाँ सारे आते हैं, फिर यहाँ से ही बाकी लोग जो आते रहते हैं यहाँ पे, फिर वो दूसरी जगहों पे जाते हैं, लेकिन ये मेन है। तो आप लोग देख सकते हो ये इसका मार्केट रहा, थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और शाम के वक्त इस पर अच्छा सा आता है बिहार चौक, जैसे एक फट को ये अंग्रेज चौक, तो ये अच्छा आसान सिर्फ अंग्रेज फॉरनर ही अच्छा आसान है, उनके छे कहीं। उनके सुल्ख खबर शंगित में आसान खलक। तो दोस्तों जिधर मैं अभी जा रहा हूँ, ये एक रेस्टोरेंट है, देसी रेस्टोरेंट, उधर चाय पराठा खा के निकलता हूँ, क्योंकि अभी कुछ खाया नहीं ना, तो वहाँ से निकलते हैं फिर इंशाल्लाह। बस वीडियो पे बने रहना, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी बहुत सारे यहाँ पे कवर करने हैं, बहुत सारे आइलैंड है, गिली आइलैंड है, लम्बुक आइलैंड है, तो नूसा पनीदा है, तो इंशाल्लाह उधर भी जाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ये हाई उन्हें कहीं तक पोषण, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया म्यूजिक चल रहा है, तो अभी हम चाय पियेंगे, चाय के बाद निकलते हैं यहाँ से, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करना केएमआर हंटर्स व्लॉग, और फेसबुक पे देख रहे हो तो ज़रूर फॉलो और शेयर करना। थैंक यू।
थैंक यू। तो ये यहाँ पे ये प्लेट देने आई है, वैसे प्लेट की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि चाय ही पीनी है और क्या। चलो गाइस मिलते हैं। तो दोस्तों अभी 1.5 किलोमीटर बाकी रहा, आप लोग देख सकते हो ये चिधानी बना रहा ट्रेल है, कितना खूबसूरत है भाई। इन घर वालों को मजा चाहिए, ग्रीनरी से इन खत्म ग। तु वो कूत ग्रीन दिल फलान भाई। वाह जी वाह, बोस ये नंद करा नंद ना थाल करा थाल, बोस थाल कित पचिम करा अड़ लोनान अड़ थाल करा अड़ नंद करा पकान समसार। बस भाया आह आह क्या हवा है भाई। इन पे गि त्रेश अन समीन पे खसान कुलिस अना अत नारियल पानी वाल तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ मैं यहाँ पे। बाइक मैंने पीछे खड़ा कर दी, बाइक क्या स्कूटी, स्कूटी भी नहीं स्कूटी स्कूटी। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, देखते कितना खतरनाक वाटरफॉल है भी या नहीं है। वन क्या हेको अत कर वन गुन चल ठीक ये लिखित मिलियांग वाटरफॉल वो कूत खतरनाक है, ये मोट दिन बहार ये फे ये खतरनाक। बेहतर बन कुन वन अगर दब लोग ना पाई बरजल ते रटान ना पे पे चपनी पे अकिस अथस कह बैग ओह 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 कत खतरनाक तीन कह मगर मे बसा यह दूर ये पे स्लिप गु खतर यह लिन हिश लिजम स्लिप होने का खतरा है भाई। क्या वन बे तु ये खतरनाक ही अगर तु कैमरा मे दिखता नहीं है लेकिन मासूम शायद प्लेन वा चलो आगे मिलते हैं, आगे मिलते हैं ठीक है। शायद वो पुलिया नहीं ना खलक थे आपस, चलो आगे देखते हैं कैसा होगा कैसा नहीं। तो ये वन भाई अब असल में लोग यही नहीं कहते भाई, सच में कुछ जन सब जंप करा तीत बड़ी स्टेप कैमरा में नहीं दिखेगा भाई, लेकिन ओ भाइयों पहले मैं नीचे जाऊंगा ठीक है, उसके बाद ही दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग देख सकते हो ये जम खड़स मज किस लेकिन जंगन गो सूर यह गो वस्त साल वापस खसो वापस खसो
बाया चिंतना पर फिक्रे लोड करियो लोड करियो। ये है भाई इधर का माहौल। अच्छा वाटरफॉल इस साइड से है, नजर आ रहा है आप लोगों को, मगर उधर जाएगा कौन? अच्छा इधर भी इनका मंदिर है भाई, आप लोग देख सकते हो, अभी दिखाऊंगा ठीक है। ये देखो भाई इधर कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं। जगह बहुत खूबसूरत है, अब मैं कोशिश करूंगा नीचे जाने की, अगर रास्ता होगा तो दिखाऊंगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं ड्रोन से ही कैप्चर करूंगा, जितना भी होगा दिखाऊंगा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये चीज़ हाई उन्होंने कहीं कोशिश ठीक है भाई, उन्होंने मैं तद गए सिर्फ चले हाट नहीं कला आखिर किस बोला भाया कर ये चले। अल्लाह की खूबसूरती भी दिखानी होती है, अल्लाह का नेचर, अल्लाह ने कहा है कुरान में कहा है कि आप लोग देखो जाओ दुनिया घूमो ताकि आप मेरी निशानियां पाओगे। जब इधर आता है इंसान तो मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। तो अब मैं ड्रोन चलाऊंगा ठीक है, और तो ऐसे करो शेयर जितना हो सके कवर कर सकता हूं, अगर वाटरफॉल आया ड्रोन में कोशिश करूंगा ले जाने की, लेकिन नहीं मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पेड़ ऐसे हैं जकड़े हुए, ऐसे टच करते हुए फिर ड्रोन आगे नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा ऊपर, देखते हैं भाई कैसा आएगा ठीक है। वीडियोस कर दिए ज़रूर लाइक, फॉलो तो कर जो यमें फॉलो आज कर्म कहीं, शेयर कर जो ज़रूरी, तो यूट्यूबस पर कर जो KMR हंटर्स व्लॉग कर जो सर्च, तक कर जो सब्सक्राइब, तक पे मैं जॉर्डन सीरीज तुम हेको तुम वो जो इस फलस्तीन नज़दीक है, मतलब फलस्तीन ये फलस्तीन मतलब एंटर समझो फलस्तीनी है, वो भी आप देख सकते हो KMR हंटर्स ब्लॉग पे ठीक है, पिछले वीडियोज़ हैं।